अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में पार्ट 6 हम पढ़ चुके थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें पार्ट 7। और पार्ट 7 है फैटी एसिड सिंथेसिस के मुतालिक। फैटी एसिड सिंथेसिस का मतलब है कि फैट्स किस तरह से या किन रिएक्शंस के थ्रू हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं। और फैटी एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स के साथ फैट्स, यानी ये कार्बन के चेन होते हैं, और जिसे हम आगे इनका सिंथेसिस या इसकी बनावट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए, और इस ट्रांसपोर्ट में हमने ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पाइरूवेट इंटर हो जाता है और पाइरूवेट एसिटाइल को एंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटेट बना रहा होता है। फिर ये दोनों मिलकर सिट्रेट बनाते हैं, और सिट्रेट ट्रांसपोर्टर की मदद से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है। यहाँ पर सिट्रेट बाहर आने के बाद सिट्रेट के साथ को एंजाइम ए मिलकर एसिटाइल को एंजाइम ए बना रहा होता है, और सिट्रेट आगे जा कर के फिर फर्दर रिएक्शंस को कैरी कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, इस जगह से। यहाँ से हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहाँ से एसिटाइल को एंजाइम ए बना था। तो चलिए जी, एसिटाइल को एंजाइम ए जब सिट्रेट से बन जाता है, मैं एसिटाइल को एंजाइम ए का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। इसका स्ट्रक्चर है CH3C डबल बॉन्ड O और उसके साथ को एंजाइम ए, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है एसिटाइल को एंजाइम ए का। किसका स्ट्रक्चर है? एसिटाइल को एंजाइम ए का। अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये यहाँ दो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कितने कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकता है? दो कंपाउंड में। तो मैं दोनों कंपाउंड्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, अगर इसमें ACP इंटर हो जाए, क्या इंटर हो जाए? ACP। अब ACP क्या चीज़ है? ACP कहते हैं एसाइल कैरियर प्रोटीन को। किस चीज़ को? एसाइल कैरियर प्रोटीन, यानी एक ऐसा प्रोटीन जो इस एसाइल ग्रुप को अपने साथ आगे लेकर के जाएगा, ठीक। तो ACP इसके अंदर इंटर हो जाएगा। तो ACP के इंटर होने के बाद अब आप गौर करें, जो स्ट्रक्चर था एसिटाइल को एंजाइम ए का CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक स्ट्रक्चर यही रहेगा। और ये जो इसमें को एंजाइम ए लगा था, ये को एंजाइम ए रिमूव हो जाएगा, यानी इस स्टेप में को एंजाइम ए निकल जाएगा और यहाँ पर ACP लग जाएगा। क्या चीज़ लग जाएगा? यहाँ इसके साथ ACP लग जाएगा। तो अब इस कंपाउंड का नाम होगा एसिटाइल ACP। क्या नाम होगा? एसिटाइल ACP, यानी ऐसा एसिटाइल जिसके साथ एसाइल कैरियर प्रोटीन भी जुड़ा हुआ है, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा जो एंजाइम, उसका नाम है ट्रांस एसाइलेज। क्या नाम होगा इसका? ट्रांस एसाइलेज। दूसरी तरफ, दूसरी जानब, ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये कन्वर्ट हो सकता है मेलोनाइल को एंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट हो सकता है? मेलोनाइल को एंजाइम ए में। अब मेलोनाइल को एंजाइम ए के स्ट्रक्चर में यहाँ पर, ठीक, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इसका को एंजाइम ए, ये स्ट्रक्चर आप देख लें, ये वही पुराना स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर वही पुराना स्ट्रक्चर है। और इस CH3 में से एक H यहाँ से निकल चुका होगा, यहाँ लगेगा CH2। क्या लग जाएगा यहाँ पर? CH2, ठीक। और इसके बाद इसमें
एक ये ग्रुप ऐड हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रुप इसके अंदर क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किसने किया, उस एंजाइम का नाम है ट्रांस कार्बोक्साइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या होगा, ट्रांस कार्बोक्साइलेज एंजाइम, ठीक, या हम कह सकते हैं बायोटिन कार्बोक्साइलेज, ठीक है, बायोटिन कार्बोक्साइलेज या ट्रांस कार्बोक्साइलेज एंजाइम। तो ये इस एंजाइम का काम क्या होगा कि इसमें, यानी इस पोर्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर देगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, यानी ये एसिटाइल को एंजाइम में पहले से था, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप इसने ऐड कर दिया, ठीक। चलिए जी, अब इसके बाद क्या होगा, एक तरफ बन गया मेलोनाइल को एंजाइम ए और दूसरी तरफ बन गया, मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, एक तरफ बना मेलोनाइल को एंजाइम ए और दूसरी तरफ बन गया एसिटाइल ए सी पी, दूसरी तरफ क्या बना, एसिटाइल ए सी पी। अब ये जो मेलोनाइल को एंजाइम ए है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर मेलोनाइल ए सी पी में, किस में, मेलोनाइल ए सी पी में। चूंकि ए सी पी में कन्वर्ट हुआ तो लाजमी बात है इसमें इंटर होगा एसाइल कैरियर प्रोटीन यानी ए सी पी, और ए सी पी जब इंटर होगा तो को एंजाइम ए इसमें से निकल जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर यही वाला होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ग्रुप मौजूद है, फिर उसके बाद सी एच टू मौजूद है, उसके बाद कार्बोनाइल कार्बन के साथ पहले को एंजाइम ए मौजूद था, अब इसकी जगह लग जाएगा ए सी पी यानी एसाइल कैरियर प्रोटीन, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा जो एंजाइम, उसका नाम है ट्रांस एसाइलेज। क्या नाम होगा एंजाइम का, ट्रांस एसाइलेज, ठीक। तो मेलोनाइल को एंजाइम ए ट्रांस एसाइलेज की मदद से बन गया मेलोनाइल ए सी पी, क्या बन गया, मेलोनाइल ए सी पी। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद ये जो मेलोनाइल ए सी पी है, ये आगे जाकर के एक और कंपाउंड बनाएगा। उससे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये कंपाउंड भी इसके साथ आकर मिल जाएगा, यानी एसिटाइल ए सी पी, ये एसिटाइल ए सी पी और मेलोनाइल ए सी पी, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, और इन दोनों के मिलने से एक कंपाउंड बनेगा, और उस कंपाउंड का नाम होगा एसीटो एसिटाइल ए सी पी। क्या नाम होगा, एसीटो एसिटाइल ए सी पी, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में लाजमी बात है ये मेलोनाइल ए सी पी और एसिटाइल ए सी पी मिल रहे हैं। अब ये ध्यान में रखना कि इन ये दो ए सी पी है यहाँ पर, एक ये वाला है और एक ये वाला, ठीक है, एक ये और एक ये, इनमें से एक ए सी पी इस दौरान निकल जाएगा, एक ए सी पी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी इस दौरान रिलीज हो जाएगा, ठीक। यानी एक ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा ये वाला, ठीक, और एक ए सी पी इसमें से रिलीज हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, आप यहाँ से देखना, ये सी एच थ्री और सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रक्चर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक, ये बन गया। और इसके बाद यहाँ क्या बच गया था, सी एच टू, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो गया, सी एच टू बच गया, तो इस सी एच टू को यहाँ लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या है, कार्बोनाइल कार्बन है उसको लगा लेते हैं, और फिर इसके साथ बच गया ए सी पी, ठीक, ये बच गया। तो ये बन गया एसीटो एसिटाइल ए सी पी, और इस रिएक्शन को कन्वर्ट कौन करेगा, इसको कैटलाइज कौन करेगा, वो है बीटा कीटो एसाइल ए सी पी सेंटेस, बीटा कीटो एसाइल ए सी पी साइंथेज एंजाइम इस रिएक्शन को क्या करेगा, ठीक है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, ठीक हो गया जी। अच्छा,
अब इसके बाद ये जब एसिटो एसिटाइल एसीपी बन गया, तो ये जो एसिटो एसिटाइल एसीपी है अब ये कन्वर्ट होगा एक और कंपाउंड में। मैं यहाँ इस कंपाउंड को बना लेता हूँ, ठीक है। ये तो ये कंपाउंड कन्वर्ट होगा एक और कंपाउंड में, उसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी, ये एच है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ए सी पी, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ए सी पी। और इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है ये होगा, जैसे यहाँ पर सी एच थ्री है, यही सी एच थ्री मौजूद होगा। और इसके बाद ये जो कार्बोनाइल कार्बन था यहाँ, अब क्या होगा कि इस दौरान ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन इंटर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यानी ये जो ऑक्सीजन था यहाँ H आकर के लग जाएगा, ठीक है, यहाँ H आकर के लग जाएगा। तो और बाकी जो स्ट्रक्चर है उस पर अगर आप गौर करें, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह है जैसा पहले था, ठीक। यहाँ ACP ग्रुप होगा, तो सिर्फ इस जगह के अलावा आप अगर गौर करें कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं आया, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP बन गया, और इसमें जो एंजाइम इस दौरान जो एंजाइम इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा वो है बीटा कीटो एसाइल रिडक्टेज। क्या नाम होगा एंजाइम का? बीटा कीटो एसाइल रिडक्टेज एंजाइम इस रिएक्शन को करेगा। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। और इस दौरान एक NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADP प्लस में। तो अब बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP, ठीक। अब ये कंपाउंड जब बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP, ठीक है, ये कंपाउंड अब मज़ीद आगे जा कर के कन्वर्ट होगा, ठीक है, यानी इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है, सॉरी इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल यानी ये वाला और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज़ हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज़ होने के बाद अगर आप गौर करें ये CH3 इसी तरह से रहेगा, और इसके बाद ये जो CH है ये इसी तरह से रहेगा, ये OH निकल चुका, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ आपके पास रह गया CH, और बाकी कंपाउंड उसी तरह से रहेगा। अब इधर आप देख लें, ठीक है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम हो रही है तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड की वजह से इस कंपाउंड का नाम होगा ट्रांस टू इनॉयल, ठीक है, ये टू है यानी टू पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रांस टू इनॉयल ACP। क्या नाम होगा इसका? ट्रांस टू इनॉयल ACP। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा जो एंजाइम उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ACP डीहाइड्रेज, क्योंकि पानी निकला है तो डिहाइड्रेट हुआ है, ठीक है, डिहाइड्रेज इसको कैटलाइज करेगा। अब इस स्टेप के बाद हम ये जहन में रखना है स्टूडेंट्स, हम फैटी एसिड सिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। इस स्टेप के बाद क्या होगा फर्दर? ये जो ट्रांस टू इनॉयल ACP है ये एक और कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और उसका नाम है एसाइल ACP। क्या नाम है इसका? एसाइल ACP। और इसके स्ट्रक्चर आप देख ले, यही स्ट्रक्चर, ये CH3, ठीक, और उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन इंटर हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक, तो ये बन जाएगा CH2 और CH2, ये इसी तरह से रहेगा बाकी कंपाउंड, ठीक है, ये ACP। ये देखना सिर्फ यहाँ पर अगर आप गौर करें दो हाइड्रोजन इंटर हुए हैं, एक इस कार्बन में इंटर हुआ एक इस कार्बन में इंटर हुआ, तो सिर्फ दो हाइड्रोजन यहाँ पर इंटर हुए हैं।
इस दो हाइड्रोजन के इंटर होने के बाद और इस दौरान जब ये दो हाइड्रोजन यहाँ इंटर होंगे, इट मींस ये हाइड्रोजन कहीं से आए हैं, ठीक है। तो NADP+ इस दौरान कन्वर्ट हो जाएगा NADPH+ में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NADPH+ में, और इस दौरान जो एंजाइम यूटिलाइज होगा वो है इनॉयल ACP, इनॉयल ACP रिडक्टेज, यानी यहाँ पर रिडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन यहाँ पर इंटर हुए हैं, तो इस रिडक्शन के की वजह से एसाइल ACP बन जाएगा। अब ये जो एसाइल ACP बन गया, ये फर्दर जो है इसमें से अब ये जो ACP ग्रुप था ये वाला, ये इसमें से अब रिमूव हो जाएगा और इस ACP ग्रुप की जगह यहाँ दोबारा इंटर हो जाएगा को इंजाइम ए। तो बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, CH3, CH2, CH2 और इसके साथ अब लग गया को इंजाइम ए, ठीक। और ये कंपाउंड जो अभी बना है ये है एसाइल को इंजाइम ए। सिर्फ अगर आप गौर करें यहाँ फ़र्क पड़ा है, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, ठीक, और कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये बन गया एसाइल को इंजाइम ए, क्या बन गया, एसाइल को इंजाइम ए। अब ये जो एसाइल को इंजाइम ए है, अब ये फैटी एसिड बनने की तरफ चला जाएगा, इसमें से ये को इंजाइम ए जो पोर्शन है अब ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से को इंजाइम ए यहाँ से रिमूव हुआ और इस दौरान इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स इंटर होंगे, इस कंपाउंड के अंदर कुछ हाइड्रोकार्बन्स इंटर होंगे और ये जो को इंजाइम ए है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक। और इसके रिमूव होने की वजह से यहाँ पर बन जाएगा फैटी एसिड, क्या बन जाएगा, फैटी एसिड, ठीक है। ये तो ये बन गया फैटी एसिड, या जिसे हम कहते हैं फ्री फैटी एसिड, ठीक है। तो ये बन गया फैटी एसिड और इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा फैटी एसिड साइंथेस, यानी फैटी एसिड बनाने वाला एंजाइम। तो फैटी एसिड साइंथेस एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा और इसके बाद बनेगा फैटी एसिड। तो स्टूडेंट्स ये था सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड का बनना, ठीक। तो ये मैं एक दफ़ा फिर जल्दी से रिपीट कर लेता हूँ आज के टॉपिक को। यहाँ देखिए जी, आज हमने ये डिस्कस किया कि सिट्रेट जब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है तो इस दौरान इसमें से एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल जाता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में से दो कंपाउंड्स बन सकते हैं, एक ट्रांस एसिलाइज एंजाइम की मदद से एसिटाइल ACP बनेगा, यानी इसके साथ एसाइल कैरियर प्रोटीन लग जाएगा, और मेलोनाइल को एंजाइम ए बनेगा ट्रांस कार्बोक्साइलेज एंजाइम की मदद से, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हुआ। अब ये जो मेलोनाइल को एंजाइम ए है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलोनाइल ACP में ACP के एंट्री के बाद, और फिर ये दोनों कंपाउंड एसिटाइल ACP और मेलोनाइल ACP ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस एंजाइम के से एसिटो एसिटाइल ACP बनाएंगे। फिर इस एसिटो एसिटाइल ACP में से इसमें से, ठीक है, ये बीटा कीटो एसाइल रिडक्टेज एंजाइम के से इसकी रिडक्शन हो जाएगी, यानी ये जो ग्रुप था ये जगह इसका, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये कार्बोनाइल कार्बन अल्कोहल ग्रुप में या हाइड्रोक्साइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद ये जो ग्रुप था इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये वाटर मॉलिक्यूल निकला और डबल बॉन्ड बन गया ट्रांस इनॉयल ACP, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन इंटर होगा यहाँ पर भी, और ये डबल बॉन्ड दोबारा ख़त्म हो जाएगा और इसे हम कहते हैं एसाइल ACP। फिर जो एसाइल ACP है उसका ACP ग्रुप निकल जाएगा, जो प्रोटीन जिसको कैरी कर रहा था, अब इसको प्रोटीन की कैरी करने की ज़रूरत नहीं, तो वो निकल जाएगा, कोएंजाइम है इसके साथ दोबारा लग जाएगा, और ये जो चैन है ये वाला फैटी एसिड का, ठीक है, ये बढ़ता रहता है, जैसे पामेटिक एसिड में या पैमिथाइल में 16 कार्बन का चैन बन रहा होता है,
तो ये फैटी एसिड का चैन बनता जा रहा है, फिर ये कोएंजाइम ए बी यहाँ से निकल जाएगा और ये जो है इसमें मज़ीद हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे और ये कंप्लीट फैटी एसिड बन जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो काइंडली मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं आपको और भी इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो है अपलोड करता रहूँ आपके लिए, तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी आरा ज़रूर बताइए, आपको लेक्चर पसंद आया नहीं आया, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फैटी एसिड की डिग्रेडेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।